उत्तर प्रदेश के दो आईएएस अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए चुना गया है, जिनमें मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत चहल का भी नाम शामिल है और दूसरे आईएएस अधिकारी दीपक मीणा हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनों अधिकारियों को 21 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले समारोह में सिविल सर्विस डे के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि नवनीत चहल ने डीएम रहते हुए काले चने की खेती को बढ़ावा दिया। नवनीत चहल वर्तमान में मथुरा के जिला अधिकारी हैं और मथुरा में भी लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी फरियादी उनके पास फरियाद लेकर आता है, जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाधान किया जाता है। उनके कार्य के प्रति लगन को देखते हुए उन्हें यह सम्मान मिलने जा रहा है। वहीं दूसरे आईएएस अधिकारी की बात करें तो इसी तरह सिद्धार्थ नगर के डीएम रहे दीपक मीणा ने काला चावल की प्रजाति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। दो दिन पहले दीपक मीणा मेरठ के डीएम बने हैं। केंद्र में कार्मिक मंत्रालय में सचिव यूपी सरकार को पत्र भेजा कर सूचित किया है। इन दोनों अधिकारियों को अनुवेशिक सामान्य जिला श्रेणी के लिए चयनित किया है। केंद्र सरकार में कार्मिक लोक सेवकायत व पेंशन मंत्रालय में सचिव बी श्रीनिवासन ने यूपी सरकार को पत्र भेजकर सूचित किया है। साथ ही दोनों अधिकारियों को अवार्ड लेने के लिए आमंत्रित किया है।